5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों? शिक्षक दिवस का क्या है महत्व? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्या है कनेक्शन? गुरु और शिष्य का एक अलग ही रिश्ता होता है। गुरु को माता पिता से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो गुरु ही होता है जो एक आदर्श जीवन का निर्माण करता है। अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने शिष्य की अज्ञानता भरी जिंदगी में प्रकाश डालता है। गुरुओं का सम्मान हर दिन किया जाता है, फिर भी गुरुओं के लिए खास दिन तय किया गया है, वो शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में है। हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। सवाल यह है कि शिक्षक दिवस की तारीख 5 सितंबर को ही क्यों तय की गई है? वहीं एक बात और है कि जब भी टीचर्स डे की बात आती है, तब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा जरूर होती है। ऐसे में ये भी एक अहम सवाल है कि टीचर्स डे से आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या कनेक्शन है? तो चलिए जानते हैं टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के बारे में सब कुछ। शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर स्कूलों के लिए खास दिन होता है। आज के आधुनिक युग में स्टूडेंट अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, कहीं कहीं तो टीचर्स के सम्मान में कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। वहीं टीचर्स भी आज के दिन अपने शिष्यों पर विशेष स्नेह बरसाते हैं। गुरुओं और शिष्यों की ये परंपरा वैदिक काल के पहले से ही चली आ रही है, फिर भी गुरुओं के लिए खास दिन बनाया गया है जिसे शिक्षक दिवस या फिर टीचर्स डे कहते हैं। आज की तारीख में तो देश के तमाम स्कूलों से कुछ टीचर्स को चुनकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों? 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इस एक सवाल का जब हम जवाब देने जाते हैं तो इसी में एक और सवाल निहित हो जाता है। वो सवाल ये है कि जब भी टीचर्स डे की बात होती है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा क्यों होती है? इसकी शुरुआत 1962 में तब हुई थी जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। प्रेसिडेंट बनने के पहले वो खुद एक टीचर और महान दार्शनिक थे, लेकिन जब उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, तब उनके छात्रों ने उनके ही जन्मदिन 5 सितंबर को एक विशेष दिन मनाने का सुझाव दिया। तब 1962 को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था और उसके बाद से हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के 100 देशों में टीचर्स डे मनाया जाता है। उसे इंटरनेशनल टीचर्स डे या वर्ल्ड टीचर्स डे कहा जाता है। हालांकि इसकी तारीख 5 सितंबर को न होकर 5 अक्टूबर को रखी गई है। इसकी शुरुआत 1966 में यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक से हुई थी। इसमें टीचर्स की राइट्स, जिम्मेदारियों, रोजगार और शिक्षा के लिए गाइडलाइन तय करने का प्रपोजल रखा गया। उसके बाद 1994 में यूनेस्को और 100 देशों की सिफारिश पर यूएन ने इसे पारित कर दिया, जिसके बाद 5 अक्टूबर 1994 को पहला इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया गया। उसके बाद हर साल इसी तारीख को इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।